बरगढ़ सहर रो भिन भिन जगा नु पना सर्बत आउ अन्न भोग बांटी पालन करा जाय छे पना संक्रांति। गांधी छके गांधी छक पाखर कल्याण मंडप पाखे टाउन थाना छक रो सांगे आउ भी भिन भिन पड़ा छक आउ गली नु पना सर्बत आउ अन्न भोग बटा जायथिला। खरा तरानु रास्ता रे चली गला लुके पना आउ सर्बत पी बहुत खुशी अनुभव करथिले। हजार हजार संख्या रे पना सर्बत आउ अन्नभोग रो मजा नेथिले लुके। केनु चार छटा दुकान वाले मिसी करी स्वतंत्र आयोजन करथिबार देखबार के मिलीथिला त केनु सांग सरता मिसी करी आयोजन करथिबार देखबार के मिलीथिला। पना संक्रांति रे ई शुभ दिने पड़ा छक गली सबु जगार हनुमान मंदिर जोर सोर रे पूजा अर्चना करा जायथिला। शेष के आसुन जानमा केन केनु केते लुक लागि सर्वत आउ अन्नभोग रो आयोजन करथिले। मेरा नाम रामोत अग्रवाल है, मैं बरगढ़ का बासिंदा हूँ, मैं व्यापारी हूँ और मैं ये गांधी चौक में मेरा निवास स्थान है और गत 5 साल से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बाबा का आस्था से हनुमान जी का पना संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोग ये कर रहे हैं और मैं तो अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में जो चौक में गांधी चौक में जितने भी अपने सेवक हैं, जो अपने भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी कृपा से उनके सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है। और स्टार्टिंग में हम लोग 1000 आदमी का प्रोग्राम किए थे, उसमें बहुत जन अपने खुश होके देख के आस्था के हिसाब से कि अपने ये प्रोग्राम अच्छा हो रहा है और इसमें क्या है, अन्न का भोग लगता है हनुमान जी के नाम से और पना संक्रांति जो उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं, एक तो ये हम लोग का बाबा का कृपा है और जो भी हम लोग मनोकामना है हम लोग का कि जग का कल्याण हो और सब खुश शांति से रहें। और किसी कारणवश 2 साल से कोरोना के लिए बंद हो गया था, किंतु ये साल हम लोग और ज़ोर से किए हैं। स्टार्टिंग हम लोग 1000 आदमी किए थे, उसके बाद बढ़ के 2000-3000 हुआ, अभी 4 से 5 हज़ार आदमी का हम लोग प्रोग्राम किए हैं। और बाबा की जो इच्छा है, जितने भक्त आएंगे सबको अन्न मिलना चाहिए और अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए और बाबा कृपा है, यही आस्था हम लोग का है। भगवान सबका कल्याण करें, सबको स्वस्थ रखें, सबको निरोगी रखें, ये कामना है। जय बाबा की। विचित्र साहू कहूँ, आम गांधी छक साइड रे आर ऑफिस पाखे चा दुकान अच्छी, आम इन पणा संक्रांति कर 7-8 वर्ष है, आ 5000-4000-5000 लोक लगे आम आयोजन करुचु। आम आम दुकान लाइन रोक भी सहयोग कर आ दुकान भाई मैंने मिसिकी आम 10-12 लोग करूँ। रिटायर्ड प्रोफेसर अमरेंद्र नारायण यादव, ये जो कार्यक्रम हम सेवा कार्यक्रम के अंदर रखते हैं, भारत विकास परिषद की तरफ से ये कार्यक्रम चल रहा है। अभी जिस पना संक्रांति की बात कर रहे हैं, हम ओडिशा में उस संस्कृति को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और आज तो वह पूरे भारतवर्ष में श्रेष्ठ हो गया है। आज पना संक्रांति के उपलक्ष्य में शीतल जल बंटन का जो कार्यक्रम हो रहा है, यह अभी प्रोसेशन आने वाला है बजरंग दल का भैया या हिंदू संस्थाओं का, तो उनके लिए हम हजारों की व्यवस्था है यहाँ यहाँ 1000 से ऊपर तो जल सबको जल वितरण हो चुका है। अभी जो ये अभी प्रोसेशन आएगा, हमारे 4-5 हज़ार लोगों के समय ये होगा। यह प्रायः थाना छत में ही हुआ करता है, जिसके कारण हमारे थाना वाले भी प्रभावित होते हैं।